कील स्विच को मैं ऑफ कर दूंगा तो हमारा जो मीटर है वो भी ऑफ हो जाएगा, देखना। देखिए ऑफ हो गया क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो हमारा फ्यूल इंजेक्शन बाइक या स्कूटी है वो तो फुल्ली बैटरी पे डिपेंड है, लेकिन स्टार्ट करने के बाद क्या अगर बैटरी को हम लोग रिमूव कर दे तो हमारा बाइक या स्कूटी जो भी फ्यूल इंजेक्शन बाइक या स्कूटी है वो स्टार्ट रहता है कि नहीं, वो आप लोगों को मैं आज दिखाऊंगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, और प्लीज चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले ये बता दूं, जल्दी से 2K होने वाला है, तो 2K कमिंग सून गाइस। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो प्रोसेस है इसको देखने के लिए हम लोगों का जो पहले वाला फेयरिंग है, ये जो कवर है उसको खोलना पड़ेगा। तो इसको खोलने में बहुत ही ईजी है, मैंने बहुत बार आप लोगों को दिखाई है। आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लेना, चैनल में बहुत सारा वीडियो है इसके ऊपर। तो पहले इसको खोल के लेते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ मैं कैसे होता है काम जो है, वो हम लोग सक्सेस होते हैं कि नहीं वो दिखाता हूँ। तो चलिए जल्दी से इसको खोल के लेते हैं पहले, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, दिखाता हूँ कि प्रोसेस जो है। ये वीडियो जो है ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, अगर आपका बैटरी कहीं पर ख़राब हो जाए, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसको खोल के लेते हैं। तो उसको खोल दिया, तो दो स्क्रू रहता है तो दोनों को खोल दिया। अभी देखिए एकदम आसानी से खुल गया ये जो है, तो इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद हमारा बैटरी का जो दो पॉइंट है, ये एक है और इधर में ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो दोनों पॉइंट को खोल के लेंगे। आप स्क्रू ड्राइवर से भी खोल सकते हैं या फिर आपका 8mm का टी है तो उससे भी खुल जाएगा। तो बैटरी को हम लोग निकाल लेंगे, निकालने के लिए इधर में 2-3mm की बोल्ट है, देख सकते हैं ये एक और इधर में। ये दोनों को खोलने के बाद ये जो आपका प्रोटेक्टर है ये निकल जाएगा, उसके बाद बैटरी को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो पहले दोनों जो पॉइंट है उसको खोल के लेते हैं 8mm के टी से। नौ बोल्ट को जो है वो हम लोगों ने खोल लिया है, अब इसको निकाल लेंगे, उसके बाद हमारा बैटरी जो है वो आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो पहले ये जो कपलर है उसको खोलने से पहले गाड़ी को पहले स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपका ये पॉइंट जो है वो लगा नहीं होगा तो गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसको रिमूव करेंगे। तो जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं पहले। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इसको देखने के लिए कि स्टार्ट होता है कि नहीं, वो देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पता है आप लोग भी एक्साइटेड है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। तो पहले इसको देख लेते हैं कि स्टार्ट जो है वो रहते हैं कि नहीं बैटरी को खोलने के बाद। तो पहले गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, किक को मारते हैं क्योंकि मेरा सेल्फ भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, सेल्फ नहीं बैटरी थोड़ा सा डैमेज हो चुका है। तो अभी किक को पहले तो स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं इधर में बैटरी भी लगा हुआ है। अभी बैटरी के एक पॉइंट को निकालते हैं पहले निगेटिव को ही निकालते हैं। ये रही 8mm की थी, ये रही 8mm की थी, इसकी मदद से इसको पहले खोल कर लेते हैं। ये देखता हूँ खुल गया है, देख सकते हैं। अभी देखिए हम लोगों ने बैटरी को रिमूव कर दिया, फिर भी जो स्टार्ट है वो हो रहा है। तो इससे आप लोगों को यही मिलता है कि आप लोगों का बैटरी अगर कहीं पर डैमेज हो गया, कहीं पर ख़राब हो गया, तो आप दूसरों के बैटरी से गाड़ी को स्टार्ट करके कम से कम ला सकते हैं घर तक। तो दोनों पॉइंट को, एक पॉइंट को खोल दिया, एक पॉइंट को खोलना ही काफ़ी है, इसको भी खोलेंगे। तो एक पॉइंट निकालने से भी स्टार्ट हो रहा है, अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो उसको भी खोल कर लेते हैं। बहुत लोगों को यकीन नहीं होगा कि स्टार्ट होके रहते हैं कि नहीं, तो पहले इसको भी खोल के रहते हैं। ओहो बोल्ट जो है वो गिर गया नीचे में, वो निकाल लेंगे। तो देखिए इसको भी निकाल दिया, देखिए अभी कोई भी कनेक्शन नहीं है बैटरी का, फिर भी स्टार्ट हो रहे हैं। और मीटर में कुछ दिखा रहा है कि वो देखता हूँ, तो मीटर में तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है, अभी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं। देखिए तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आप लोगों का अगर कहीं पर बैटरी ख़राब हो जाए तो आप लोग ऐसे स्कूटी को ला सकते हैं, किसी की बैटरी के हेल्प से स्टार्ट करके स्कूटी को घर तक ला सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मतलब आप लोगों का हेल्प होगा, बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ, होप करता हूँ को वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो एक लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी से 2K होने वाला है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। ये कील स्विच को मैं ऑफ कर दूंगा तो हमारा जो मीटर है वो भी ऑफ हो जाएगा, देखना। देखिए ऑफ हो गया क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है।